प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई रूपी की शुरुआत। डिजिटल क्यूआर कोड या एसएमएस से प्राप्त ई वाउचर के माध्यम से किया जा सकेगा भुगतान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तमिलनाडु राज्य के 5 दिवसीय दौरे पर, आज चेन्नई में मद्रास विधान परिषद के 100वें वर्ष के स्मारक समारोह को किया संबोधित। भारत ने अगस्त महीने के लिए संभाला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का पद। भारत की अध्यक्षता में समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद से निपटने पर किया जाएगा ध्यान केंद्रित। उत्तरी सिक्किम में कुंगराला और तिब्बत स्वायत्त शासी क्षेत्र को खांबा डिजोंग में भारतीय सेनाओं और चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच शुरू की गई हॉटलाइन। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही में पड़ी बाधा, सुचारू रूप से नहीं चल पाई राज्यसभा की कार्यवाही। अगस्त के महीने में देश में होगी सामान्य बारिश, मौसम विभाग ने दी जानकारी। अब तक कई राज्यों में रही मॉनसून की बेहतर स्थिति। म्यांमार के सैनिक शासन के प्रमुख जनरल मिंग ऑंग लाइंग ने किया स्वयं को देश का प्रधानमंत्री घोषित, देश में आपातकाल को 2 वर्ष बढ़ाने की घोषणा। देश में कोविड राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 27 करोड़ 22 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए टीके। स्वास्थ्य दर बढ़कर हुई 97.35%। अब खबरें खेल जगत से। टोक्यो ओलंपिक में भारत की पीवी सिंधु ने बैडमिंटन महिला सिंगल में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास, संसद के दोनों सदनों ने दी बधाई। महिला हॉकी में भारत ने 3 बार के ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश।